नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 2000 का नोट बदलने के लिए आईडी की जरूरत नहीं, SBI ने कहा कोई फॉर्म नहीं भरना होगा, एक बार में 10 नोट एक्सचेंज किए जा सकेंगे। जी हां दोस्तों, स्टेट बैंक ने रविवार को 2000 का नोट बदलने के लिए गाइडलाइंस जारी की है। भारत के सबसे बड़े बैंक ने कहा है कि नोट बदलने के लिए किसी आईडी की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्म भी नहीं भरना होगा, एक बार में 10 नोट बदले जा सकते हैं। स्टेट बैंक ने नोटिफिकेशन इसलिए जारी किया है क्योंकि सोशल मीडिया पर नोट बदलने को लेकर अलग अलग तरह की जानकारियां दी जा रही थी। कहा जा रहा था कि नोट बदलने के लिए आधार जैसी कोई आईडी जरूरी होगी और फॉर्म भी भरना होगा। इससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI ने 19 मई को 2000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया था। RBI ने 30 सितंबर तक ऐसे नोट बैंकों में बदलने या अकाउंट में जमा करने को कहा है। बैंक ने यह भी कहा है कि यह इसके बाद भी लीगल रहेगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। जापान में पीएम मोदी से मिलने आए अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन, कहा मुझे आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। मोदी ने ब्रिटिश पीएम सुनक से भी की बातचीत। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के हिरोशिमा में G7 बैठक में भाग लेने के बाद पपुआ न्यू गिनी के लिए रवाना हो गए। पीएम मोदी के पोर्ट मोरेम्बी पहुंचने पर पपुआ न्यू गिनी के पीएम उनका स्वागत करेंगे। दोस्तों, जापान में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बनीज़ ने पीएम मोदी से बातचीत की। इस दौरान बाइडेन ने कहा कि उन्हें पीएम मोदी का ऑटोग्राफ लेना चाहिए। दरअसल दोस्तों, मीटिंग के दौरान बाइडेन मोदी के पास आए और उन्होंने कहा कि अमेरिका में बहुत बड़े लोग कह रहे हैं कि आप मोदी के कार्यक्रम में जाएं। इस दौरान एल्बनीज़ ने कहा कि उनके पास भी ऐसी रिक्वेस्ट आ रही है। इस पर सिडनी के कम्युनिटी रिसेप्शन में 20,000 लोगों की ही क्षमता है। बाइडेन और एल्बनीज़ ने मोदी को बताया कि उनके सामने भीड़ को मैनेज करने की चुनौती है। इस दौरान एल्बनीज़ ने बताया कि जब वे भारत दौरे पर थे तब किस तरह 90,000 लोगों ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उनका और मोदी जी का स्वागत किया। इस पर बाइडेन ने कहा कि मुझे आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कांग्रेस ने हमेशा OBC समुदाय को प्रताड़ित, अपमानित और उपेक्षित किया, मोदी समाज के राष्ट्रीय सम्मेलन में बरसे अमित शाह। जी हां दोस्तों, अहमदाबाद में आयोजित मोदी समाज के राष्ट्रीय महासम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ओबीसी समुदाय की उपेक्षा की है, यह BJP है जो उनके लिए काम कर रही है। कांग्रेस ने 56 साल तक देश पर शासन किया लेकिन ओबीसी समुदाय का विकास नहीं किया, लेकिन पीएम मोदी ने पिछले 9 वर्षों में उनके लिए काम किया है। पीएम गरीब परिवार से आते हैं इसलिए वह गरीबों का दर्द समझते हैं। जहां तक ओबीसी समाज का सवाल है, आज़ादी के 75 साल में जितने दिनों तक कांग्रेस का रहा, हमेशा कांग्रेस ने ओबीसी समाज को उपेक्षित करने का काम किया, प्रताड़ित और अपमानित करने का काम किया। उन्होंने कहा कि एक प्रकार से भारत का पहला ओबीसी प्रधानमंत्री देने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। आज BJP के कई मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से आते हैं। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम BJP ने किया। पहली बार देश के मंत्रिमंडल में 27 मंत्री ओबीसी समाज से बनाए गए हैं। दोस्तों, अमित शाह ने कहा कि पहले केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में आरक्षण नहीं था, आरक्षण लाने का काम BJP की सरकार ने किया। नीट की परीक्षा में आरक्षण नहीं था, वो आरक्षण लाने का काम भी BJP की सरकार ने किया। ओबीसी युवा उद्यमियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पापुआ न्यू गिनी पहुंचे मोदी, एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने पैर छूकर किया ग्रैंड वेलकम। जी हां दोस्तों, जापान में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे, यहां उनका भव्य स्वागत हुआ। दरअसल दोस्तों, पापुआ न्यू गिनी के एयरपोर्ट पर मेजबान देश के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने पैर छूकर पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी का यह स्वागत इसलिए भी खास है क्योंकि उस देश में नियम है कि वहां पर सूर्यास्त के बाद आने वाले किसी भी नेता का औपचारिक स्वागत नहीं किया जाता, लेकिन पीएम मोदी के पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्हें यह खास छूट दी गई। उनके स्वागत में सभी रस्मों का पालन किया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल और नीतीश का साथ, अरविंद केजरीवाल बोले विपक्ष साथ दे, 2024 में भाजपा खत्म हो जाएगी, 23 को ममता से मिलेंगे। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को एक बार फिर दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल से मिले। एक महीने में दोनों मुख्यमंत्रियों की यह दूसरी मुलाकात है। इससे पहले 12 अप्रैल को दोनों मिले थे। नीतीश के साथ बिहार के डिप्टी CM और RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी भी थे। नीतीश ने अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र के अध्यादेश को संविधान
संविधान के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि एक चुनी हुई सरकार को दी गई शक्तियां कैसे छीनी जा सकती है, यह संविधान के खिलाफ है। हम अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं, हम देश के सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार इस अध्यादेश को कानून बनाने के लिए राज्यसभा में लाती है तो विपक्ष हमारा साथ दे, विपक्ष एक साथ होगा तो 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अध्यादेश के विरोध में वे देश भर की विपक्षी पार्टियों से मिलकर समर्थन मांगेंगे। 23 मई को वे कोलकाता में ममता बनर्जी से भी मिलेंगे।